एकलव्य विद्या संकुल। की पहली इकाई बेटी कविता का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह जो कविता है वो एक बेटी के जीवन से जुड़ी हुई कविता है, जिसमें बेटी के महत्व को समझाया गया है कि देवी का रूप, देवों का मान है बेटियां, परिवार के कुल को जो रोशन करे वो चिराग है बेटियां। यानी कि बेटी भगवान का दिया गया एक ऐसा तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता। जैसे बेटा घर का कुल दीपक है, वैसे ही बेटी घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में बेटियां होती है उस घर में अलग ही रौनक रहती है। बेटियां अपने पापा की परिया तो माँ की राज दुलारी होती है, जो कि उनकी अच्छी दोस्त के रूप में उसके साथ खुशियां और सारी दुख और तकलीफ बांटती है। बेटियां एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालने का काम करती है। वहीं जरूरत पड़े तो लड़कों की तरह वह आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज बेटियों के प्रति समाज में रूढ़िवादी सोच हावी हो गई है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले बढ़ रहे हैं, जो कि बेटियों के प्रति तुच्छ मानसिकता को साबित कर रही है। लेकिन ऐसा कहना भी गलत नहीं है कि पहले की तुलना में आज बेटियों की स्थिति काफी हद तक सुधरी हुई है। आज हम देखें तो दुनिया का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां लड़कियों ने खुद की प्रतिभा को साबित न किया हो। अंतरिक्ष में जाने से लेकर इंजीनियरिंग, राजनीति, मेडिकल, खेल एवं मनोरंजन तक आज हर जगह लड़कियों की बोलबाला है। वही लड़कियों की शिक्षा को भी कर रही आज समाज के हर तबके में लोगों की आज मानसिकता बदल गई है और आज बेटी को वही महत्व मिल रहा है जो महत्व बेटों को मिल रहा है। इसीलिए कहा है कि हर उस घर में खुदा की रहमत बरसती है जिन घरों में बेटियां हंसती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं वो कविता बेटी के महत्व को दर्शाती है। तो इस कविता को पढ़ने से पूर्व हम इसका सुमधुर गान करेंगे। तो आप सबको ये कविता ध्यान से सुननी है, इसके बाद हम इसकी समझौती प्राप्त करेंगे। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी।
बनूंगी सहारा बनूंगी बेटी हूँ मैं बेटी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी अपने पाप चलकर मैं दुनिया को देखूंगी दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी तारा बनूंगी सहारा बनूंगी बेटी हूँ मैं बेटी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी तारा बनूंगी सहारा बनूंगी बेटी हूँ मैं बेटी बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी तारा बनूंगी सहारा बनूंगी बेटी हूँ मैं बेटी बेटी हूँ मैं बेटी बेटी हूँ मैं बेटी। तो विद्यार्थी मित्रों हमने इस कविता का सुंदर गान किया। अब हम इस कविता की समझूती को प्राप्त करेंगे। पहली पंक्ति बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी सहारा बनूंगी बेटी हूँ मैं बेटी। यहाँ पर इस कविता में बेटी कहती है कि मैं बेटी हूँ मैं तारा बनना चाहती हूँ और तारा बनकर सहारा बनना चाहती हूँ अर्थात वो कहना चाहती है कि जिस प्रकार आसमान में चंद्र चमकता है वैसे ही वो तारों की तरह बनकर चमकना चाहती है लोगों का सहारा बनना चाहती है वो तारों की तरह सबके सामने उजाला फैलाना चाहती है और उजाला फैलाने के साथ साथ लोगों की मदद करना चाहती है लोगों का सहारा बनना चाहती है। वो क्या कहती है गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी। वो कहती है कि जिस प्रकार गगन अर्थात आसमान आकाश आकाश में जिस प्रकार चंद्र चमकता है उसी प्रकार वो धरती पर चमकना चाहती है वो कुछ पढ़ लिख कर बनना चाहती है अपना नाम रोशन करना चाहती है जैसे कि हजारों तारों के बीच चंद्र अपना प्रकाश फैलाता है उसी प्रकार वो हजारों लोगों के बीच कुछ करके दिखाना चाहती है अपने आप की एक अहमियत बढ़ाना चाहती है अपना एक पद स्थापित करना चाहती है वो अपने आप को रोशन करना चाहती है और अपने साथ साथ अपने परिवार के नाम को भी रोशन करना चाहती है। वो चंद्र की तरह चमककर चारों ओर उजियाला यानी कि प्रकाश फैलाना चाहती है। प्रकाश मतलब किसका प्रकाश अपने कर्मों का प्रकाश। पहले के जमाने में बेटियां चार दीवारों में कैद थी ना ही उसे घर से बाहर निकलने की परमिशन थी और ना ही उसे पढ़ने लिखने की परमिशन थी नहीं वो पढ़ पाती थी और ना ही वो घर से बाहर निकल पाती थी सिर्फ घर के चार दीवार के अंदर वो काम करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है आज शिक्षण का पूरा अधिकार बेटी को भी है। जिस प्रकार बेटे पढ़ लिख कर कुछ बनते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं
उसी प्रकार बेटियां भी आज पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर बनती है और अपने परिवार का नाम रोशन करती है। इसलिए वो कहती है कि मैं भले ही बेटी हूँ लेकिन मैं तारा बनना चाहती हूँ, लोगों का सहारा बनना चाहती हूँ, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। जिस प्रकार आसमान में चंद्र चमकता है उसी प्रकार मैं धरती में चमकना चाहती हूँ और अपना प्रकाश फैलाना चाहती हूँ। आगे की पंक्ति, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। मतलब कि वो पढ़ लिखना चाहती है। जिस प्रकार हमारे समाज के पुरुष प्रधान मान्यता में बेटों को पढ़ने का जो अधिकार है वही अधिकार आज बेटियां प्राप्त कर रही है। वो कहते हैं कि मैं भी उसकी तरह पढ़ना लिखना चाहती हूँ, मैं खूब मेहनत करूँगी और फिर अपने पांव पर चलूँगी, यानी कि आत्मनिर्भर बनूंगी। आत्मनिर्भर बनने के लिए वो क्या करना चाहती है, पढ़ना लिखना चाहती है और फिर अपने पांव पर चलकर पूरी दुनिया को वो देखना चाहती है, अपनी ज़रूरतें स्वयं पूर्ण करना चाहती है, पूरी दुनिया को वो समझना चाहती है, सबके सामने आना चाहती है। वो कहती है कि मैं पढ़ लिख कर पूरी दुनिया को समझूंगी और उसे समझने की कोशिश करूंगी, लोगों का सहारा बनूंगी। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के कार्यों और व्यवहारों को देखना चाहती है और उसे देखने के लिए उसे घर से बाहर निकलना ज़रूरी है और उसके लिए उसका पढ़ना लिखना ज़रूरी है। इसीलिए वो अपने आप पर आत्मविश्वास पैदा करना चाहती है और कहती है कि मैं पढ़ लिख कर अपने पांव पर चलूँगी, आत्मनिर्भर बनूँगी और पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करूँगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूँगी। इसके बाद अंतिम पंक्ति, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खेलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। यानी कि बेटी तितली बनकर बागों में घूमना चाहती, खुली हवा में सैर करना चाहती, हवा को चूमना चाहती है और वो मस्त होकर नाचना चाहती है, गाना चाहती है। इस तरह वो तितली की तरह एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। जैसे कि तितली है वो किस प्रकार स्वतंत्र रूप से उड़ती है, नाचती है, गाती है, इधर उधर घूमती है, तो वो बेटी कहती है कि मैं भी तितली की तरह बागों में घूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, मैं स्वतंत्र रूप से अपने आप को बाहर लाना चाहती हूँ। वो स्वतंत्र रूप से खिलना चाहती है, उसे मुरझाना नहीं। यानी कि यहाँ इस कविता में बेटी की कई सारी तमन्ना, उसकी जो इच्छाएं है वो दर्शाई गई है। वो कहती है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो ये संपूर्ण कविता में बेटी की कई सारी तमन्ना है। कौन कौन सी है? कि वो तारा बनना चाहती है और धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, अपना नाम रोशन करना चाहती है। उसकी इच्छा है कि वह दुनिया रूपी बाग में फूल की तरह खिले और तितली बनकर हवा को वो चूमना चाहती है, नाचना चाहती है, गाना चाहती है। इस तरह इस कविता में बेटी की कई सारी तमन्नाएं दिखाई देती है। मतलब कि परंपरा की बेड़ियों को तोड़कर वो खुलकर जीना चाहती है, लोगों का सहारा बनना चाहती है, अपने माता पिता की सहायता करना चाहती है, मदद करना चाहती है। जिस प्रकार बेटे अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं उसी प्रकार वो भी कुछ ऐसा ही करना चाहती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी इस कविता का अभ्यास पूर्ण हुआ। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।